हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर टू का एग्जांपल नंबर 9 करेंगे। तो देखते हैं क्या है इस एग्जांपल में। इन दिस एग्जांपल फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, इक्वेशन है 2x^4 -3x³ -3x² +6 -2। इफ़ यू नो दैट टू जीरोज, टू ऑफ इट जीरोज आर √2 एंड -√2। इसका क्या मीनिंग है? एक इक्वेशन गिवन है आपको, इसकी आपको जीरोज निकालनी है जितनी हो सके उतनी, और जिसमें से दो जीरोज इसने दे दिए आपको √2 एंड -√2, और कितने हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है, गिवन जीरोज आर, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन जीरोज आर, दो जीरोज गिवन है, तो ये एक्स दिया हो ना यहाँ पे वेरिएबल, तो इट मीन्स ये पी एक्स गिवन है हमारे पास, और ये भी एक्स की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एक्स की वैल्यूज ही निकलती हैं जब जीरोज निकालते हैं हम। एक्स इक्वल टू √2, तो एक्स को जब √2 को इधर लेके आएंगे एक्स -√2 हो जाएगा। दूसरी जीरो गिवन है एक्स इक्वल टू -√2, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो एक्स +√2 हो जाएगा। क्लियर? और हमारे पास पी एक्स क्या गिवन है, 2x^4 -3x³ -3x² +6x -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो दो जीरोज हैं इसका यूज़ करके एक इक्वेशन बनानी है और उससे इसको डिवाइड करना, मीन्स हमें डिवाइज़र बनाना है। तो यहाँ पे दो जीरोज़ गिवन है एक्स -√2 एंड सेकेंड इज एक्स +√2। दो जीरोज़ गिवन है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स को एक्स से किया x² आ जाएगा, और क्योंकि दोनों सेम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए -b इंटू ए +b। तो ये फॉर्मूला जब हम सोल्व करते तो क्या आता है, a² -b², तो बस a क्या है यहाँ पे x और b क्या है √2, तो बस यहाँ भी यही बन जाएगा, a² मीन्स x का स्केयर -b² -√2 का स्केयर। अब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्केयर एज इट रहेगा -√2 का स्केयर करेंगे, स्केयर का मतलब है √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, ये जो पी एक्स है और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा जी एक्स आ गया, जी एक्स मीन्स डिवाइज़र। ठीक है, ये हमारा डिवाइज़र है, इस डिवाइज़र से हमें इस डिविडेंट को, ये हमारा डिविडेंट है, डिवाइड करना है, तभी तो हम जीरोज़ निकालेंगे अदर, और हमें जीरोज ही फाइंड आउट करनी है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, x² -2, अंदर की स्टेटमेंट हो जाएगी 2x^4 -3x³ 2x^4 -3x³ -3x² +6x -2। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कोशेंट जिसको हम qx कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रूल तो आपको पता लग ही गया है कि जो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड गिवन है उसकी फर्स्ट डिजिट उठाएंगे जो कि है 2x² 2x^4 2x^4 लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट जो यहाँ पे वेरिएबल गिवन है x² गिवन है डिवाइज़र में, इससे डिवाइड करेंगे। अब ये x^4 और x^2 है, तो जब ये x ऊपर जाएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन होएगा इस तरह से जाएगा, ये ऊपर माइनस का हो जाता है, तो इसमें ये 2x^4 ये -2 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 2x^2। ठीक है, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 2x^2। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हमें पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x² है, तो x² को 2x² से करेंगे, तो 2x^4 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आएगा। अब -2 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2 -4, और x² है यहाँ पे कुछ नहीं तो x² आएगा, तो माइनस, तो x² की वैल्यू ये है ना, इसी के नीचे लिखना ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, -4x², एक लाइन लगा देंगे, साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये तो क्रॉस हो गया। अब जो पहले, और डिग्री को हमने क्या लिखना है, हमेशा डिसेंडिंग में, मींस पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, तो स्केयर को बाद में लिखेंगे, पहले क्यूब को लिखेंगे, ऊपर से नीचे ले आएंगे -3³। अब यहाँ पे प्लस का 3x² और प्लस माइनस का है और प्लस का 4x² है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x². ठीक है, चाहे तो पूरी स्टेटमेंट को आप नीचे ले सकते हैं, ये हमारे पास रिमेनिंग। अब हमें अगेन क्या करना है, इसकी फर्स्ट डिजिट उठानी है -3x³ और डिवाइड करना है x² से, तो x² जब x³ से डिवाइड होगा तो माइनस का 3x रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन ज़रूर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट का माइनस का है,
माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स को एक्स से किया तो क्या गया, माइनस थ्री एक्स क्यूब आ गया, और माइनस थ्री एक्स को टू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस सिक्स एक्स आ जाएगा, तो सिक्स एक्स यहाँ नीचे लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना क्यूब के नीचे क्यूब, स्केयर के नीचे स्केयर और एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए। तो यहाँ माइनस का साइन है, प्लस प्लस का माइनस, ये क्रॉस हो गया। अब पहले आएगा एक्स स्केयर और ये भी क्रॉस हो गया, बचा हमारे पास माइनस टू। अब एक्स स्केयर माइनस टू, एक्स स्केयर माइनस टू, जब हम इन दोनों को कन्फ्यूज़न हो आपको कैसे करें तो आपने सीधा डायरेक्ट रख के देख लेना, सेम है। कटने के बाद क्या वन आ रहा है, तो इट मीन्स प्लस का वन आएगा, प्लस वन आएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, और साइन चेंज हो जाएंगे नीचे के, तो क्रॉस आके कितना आ गया आंसर, ये जीरो हो गया नीचे। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है ये, तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन जो हमारा आया, क्योंकि हमें जीरोज़ फाइंड आउट करनी है, दो जीरो गिवन है, आप देखते हैं दो जीरो और आ जाएगी, क्योंकि हमें और तो कुछ नहीं बचा, डिविडेंड तो हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन आया है हमारा इसको देखना है, इसके हमने क्या करना है फैक्टर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स, टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस का वन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारे पास जो डिविडेंट है वो क्या बनेगा, डिविडेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, डिविडेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिससे जो डिवाइज़र होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइज़र जिसको हम बोलते हैं जी एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वेश्चन से, क्वेश्चन जिसको हम क्यू एक्स बोलते हैं, प्लस करते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर का फॉर्मूला, रिमाइंडर को हम शॉर्टकट में लिखते हैं आर एक्स, क्लियर। तो अब हमारे पास डिविडेंट क्या है, टू एक्स की पावर फोर लिख लेते हैं, टू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये हमारा डिविडेंट है। अब डिवाइजर हमारे पास क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्वेश्चन क्या आया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि बीच में माइनस का मल्टीप्लाई का साइन ही माना जाता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस करेंगे तो सेम यही स्टेटमेंट आ जाएगी। तो अब हमारे पास ये तो हमारे पास सॉल्व है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ज़ीरोज़ आ जाएंगे, अब इसको भी सॉल्व करना है तब हमारी ज़ीरोज़ फाइंड आउट होंगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ फैक्टराइज, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके। तो देखिए फैक्टर बनाने के लिए क्या है, हमें मल्टीप्लाई करें तो टू आए, माइनस या प्लस करें तो माइनस का थ्री आए। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस टू इंटू माइनस वन लेती हूँ, मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का टू आ जाएगा, और जब दोनों को माइनस माइनस ऐड होंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा, मुझे यही चाहिए। तो इट मीन्स मेरे फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस का टू एक्स माइनस का एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस थ्री एक्स आ जाएगा जब ऐड करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का होकर टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन आ गया टू एक्स इंटू में एक्स माइनस वन, माइनस वन कॉमन, कुछ भी कॉमन ना हो तो वन को कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन, तो यहाँ क्या रिमेनिंग हो गया टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस वन, तो ये दोनों क्या है ज़ीरोज़ आ गई हैं हमारी, ठीक है। तो अब इनको लिख लेते हैं हम ज़ीरोज़, क्योंकि हमें क्या बताना है, ज़ीरोज़ बतानी है हमें किसकी, इस पॉलीनोमियल की। तो यहाँ लिखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स, क्या क्या ज़ीरो आई हैं आप चाहें तो स्टेटमेंट पूरी लिख सकते हैं, टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब, ये क्यूब है माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आता हमारा प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, ये हमारा क्या है पी एक्स है, इक्वल टू में क्वेश्चन हमारे पास क्या था जो हमें अभी सोल्व किया एक्स स्केयर माइनस टू, एक तो ये आ रहा था एक्स स्केयर माइनस टू, और दूसरी इक्वेशन को अभी हमने सोल्व किया वो लिखेंगे। देखिए ये था ना यहाँ पे, तो ये तो ऐसा चीज़ आ गया, इसको सोल्व करके हमारा टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन और इंटू में एक्स माइनस वन आ रहा है।
क्लियर। अब देखिए ये तो एज इट इज चलेगा, अब देखिए इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे, हमें जीरोस बतानी है। अब एक्स स्केयर माइनस टू को जब मैं तोड़ूंगी तो दोनों स्केयर होगा इसका, तो ये अगर मैं स्केयर को हटाती हूँ तो एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यही बन जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो हमें दिया हुआ था हमने इसका एक्स स्केयर माइनस टू मल्टीप्लाई करके बनाया था, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ये एज इट इज आ जाएंगे, चार जीरोज होगी हमारी। अब इनकी जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड सॉरी एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे, एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स रूट टू, एक्स की वैल्यू माइनस रूट टू, यहाँ पे टू एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन बाय रूट टू, एक्स इक्वल टू वन। तो हमारे पास देर आर फोर जीरोस ऑफ पी एक्स आर, कौन से जीरो, रूट टू माइनस रूट टू वन बाय टू एंड वन, दिस इज आवर आंसर। इस क्वेश्चन में ऐसे करना था, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले जो गिवन था वो जीरोस को हमने निकाल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक हमने डिवाइज़र निकाल लिया, उस डिवाइज़र को जो गिवन है हमारा डिविडेंड उससे हमने क्या किया, डिवाइड किया। फिर जो क्वोशेंट आया उसके हमने फैक्टर्स बना लिए, और हमने इस फॉर्मूला हमें पता है डिवाइड डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी हमारे पास, रिमाइंडर जीरो जीरो कर दी। अब ये तो हमारे पास डायरेक्ट जीरोज गिवन है, लेकिन इसका नहीं पता लग रहा है जीरोज क्या है, तो इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालने पर जो वैल्यूज आएगी वो हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज, बस फिर इक्वल टू जीरो रख के इनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ फिनिश होता है, होप ये आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स वैल्यूज़।